आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। इस खास पेशकश में बात होगी लोकसभा चुनाव को लेकर। दरअसल यूपी के चुनावी रण में इस बार सीधा मुकाबला बीजेपी और आईएनडीआईए गठबंधन के बीच है। बीजेपी जहां 75 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो वहीं आईएनडीआईए गठबंधन से सपा 63 और कांग्रेस 17 सीटों पर मैदान में है। यूपी में क्लीन स्वीप करने के इरादे से बीजेपी काफी सोच विचार कर उम्मीदवारों का चयन कर रही है। अब तक बीजेपी ने 71 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, जबकि सिर्फ 4 सीटें बची हैं जिन पर बीजेपी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी। इन 4 सीटों में कैसरगंज, देवरिया, फिरोजाबाद और रायबरेली शामिल हैं। ये सभी सीटें बीजेपी के लिए अहम हैं। इन सीटों को लेकर पार्टी ने अभी खुलासा नहीं किया है कि उनके इन सीटों पर उम्मीदवार कौन है। हालांकि कैसरगंज लोकसभा सीट को लेकर सूत्र बताते हैं कि बीजेपी ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी या उनके परिवार के ही किसी सदस्य को टिकट देने की सोच रही है, जबकि देवरिया सीट पर कांग्रेस के चर्चित चेहरे से बीजेपी का सामना होगा, जहां कांग्रेस ने पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक अखिलेश प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। वो जोर शोर से सीट पर बीजेपी को टक्कर देने के लिए चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। फिरोजाबाद सीट की बात करें तो यहां सपा ने रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव को प्रत्याशी बनाया है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के चंद्रसेन यादव ने जीत दर्ज की थी, उन्होंने अक्षय यादव को हराया था। ऐसे में बीजेपी इस बार फिरोजाबाद से किसी नए उम्मीदवार को मैदान में उतार सकती है, जबकि रायबरेली से लंबे समय तक सांसद रही कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी ने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया और वो राजस्थान की सीट से राज्यसभा पहुंच गई। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस सीट से बीजेपी किसी कद्दावर नेता को मैदान में उतार सकती है। कुल मिलाकर बीजेपी इन 4 सीटों पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर काफी सोच विचार कर रही। इन सीटों को लेकर हम स्पेशल रिपोर्ट में आज चर्चा करेंगे। उससे पहले इस पूरे मुद्दे पर देखिए इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप करने के इरादे से भारतीय जनता पार्टी काफी सोच विचार करके अपने उम्मीदवार मैदान में उतार रही है। उत्तर प्रदेश में अब तक 71 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिए हैं और अब जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं उनके नामों का ऐलान सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि रामनवमी के बाद हो जाएगा। इसमें सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो ब्रजभूषण शरण सिंह का चल रहा है। कैसरगंज से सांसद भी हैं। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि हाईकमान से ब्रजभूषण शरण सिंह को हरी झंडी मिल गई है और उनका स्वागत 30 स्थानों पर हो रहा है, अपने काफिले के साथ पहुंच रहे हैं। अब आपको बता दें कि फिरोजाबाद और रायबरेली में प्रत्याशियों का जो ऐलान करना अभी बाकी है। इसमें रायबरेली सीट पर भारतीय जनता पार्टी इंतजार कर रही है कि कब कांग्रेस अपने पत्ते खोले, क्योंकि कांग्रेस के पत्ते खोलने के बाद भारतीय जनता पार्टी रायबरेली से भी अपना उम्मीदवार उतार देंगे। मैनपुरी जो सपा का गढ़ है वहां से भारतीय जनता पार्टी ने ठाकुर जयवीर सिंह को मैदान में उतारा है। हालांकि फाइट जरूर टफ है और आपको ये भी बता दें कि रायबरेली में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से आए एमएलए मनोज पांडे का नाम काफी तेज चल रहा है और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि वहां पर कांग्रेस का उम्मीदवार आते ही भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट का भी ऐलान कर देगी। उसके बाद रायबरेली में जिस तरीके से इंतजार है और उसके बाद देवरिया में बीजेपी विधायक शलभ मणि और मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अगर मैं बात करूं तो उनके नाम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार मंथन कर रही है। इसके बाद फिरोजाबाद में आवागढ़ के युवराज है अमरीश पाल सिंह और वायुसेना के पूर्व प्रमुख हैं भदौरिया, उनका नाम भी जोरों पर है। तो देखिए जिस तरीके से अब 4 जगह बची हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को अपने उम्मीदवार का ऐलान करना है, ऐसे में बीजेपी यही चाहेगी कि 80 की 80 सीटों पे अपने ऐसे उम्मीदवार उतारें, ताबड़तोड़ बैटिंग करें जिससे क्लीन स्वीप यानी कि उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है वहां की 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आए और वहां पर बीजेपी अपना कमल खिला सके। और यही एक वजह है कि रामनवमी तक जो 4 बचे कैंडिडेट्स हैं उनका भी बीजेपी ऐलान कर देगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। हमारी संवाददाता अब तक जानकारी पहुंचा रही थी इस पूरे मुद्दे को लेकर, चूंकि
इससे पहले हमने आपको बताया था कि 10वीं लिस्ट में बीजेपी के कौन कौन से कैंडिडेट हैं और किन किन सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। अभी 4 और सीटें बाकी हैं जिन पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होना बाकी है। अब उन पर फैसला, उन पर विचार मंथन पार्टी कर रही है। और जो 10वीं लिस्ट बीजेपी की जारी हुई वो ग्राफिक के जरिए आपको हम बता रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं चर्चा करने के लिए। सीधा आपका परिचय कराएं और उसके बाद हम करेंगे चर्चा की शुरुआत। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार राजीव शर्मा जी के पास मैं चल रहा हूं। हमारे साथ राजीव शर्मा जी जुड़े हुए हैं। राजीव जी आपका स्वागत है। साथ ही विरम सेन सिंह हमारे साथ हैं। विरम सेन जी आपका स्वागत है। और सुशील जी हमारे साथ हैं। सुशील जी आपका स्वागत है। राजीव जी शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। अभी जो सीटें बची हैं 4 बीजेपी के जो कोटे की हैं उन पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होना बाकी है और ये सीटें बेहद अहम हैं जिन पर सबकी निगाहें हैं। कैसे अभी बीजेपी की स्ट्रेटजी को आप देख पा रहे हैं? जो पिछली लिस्ट जारी हुई है 10वीं, उसमें कुछ प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया और आने वाले वक्त में जो 4 सीटें जिन पर ऐलान होना बाकी है उनके लिए बीजेपी आखिर क्या तैयारी कर रही है? राजीव जी देखिए, ऐसा 10वीं जो लिस्ट जारी हुई है उसमें 7 लोगों के नाम का ऐलान किया गया है और आप जानते हैं कि बीजेपी हमेशा जो है वो सरप्राइज देती है जी। और जिस तरीके से आपको गाजीपुर में देखने को मिला कि वहां से जो प्रत्याशी उतारा गया है वो कभी चुनाव लड़ा ही नहीं है, तो ऐसे ही बीजेपी जो है वो सोच समझ करके काम करती है और सरप्राइज देती है। तो इन बाकी सीटों पर भी सरप्राइज मिलने वाला है, ये इसे आप मान करके रखिएगा। और अभी जो विपक्ष है, हालांकि यूपी में ऐसा कुछ खास विपक्ष दिखाई नहीं देता है। हाँ, एक आध जगह बसपा में जरूर ऐसे कैंडिडेट उतारे हैं जहां पर बीजेपी को मनन करने की आवश्यकता हो सकती है। अब जो बाकी 4 सीटें बची हुई हैं इन पर भी बीजेपी का जो आला कमान है वो तैयारी अपनी कर रहा होगा और ऐसे ही कैंडिडेट्स को, सरप्राइज कैंडिडेट को सामने लाया जा सकता है जी। ठीक है, विनम सेन जी, कैसरगंज को लेकर सबकी नजरें टिकी हैं कि कैसरगंज सीट का क्या होगा आखिर, कैसे देख रहे हैं सर? कैसरगंज में, कैसरगंज हो या भारत की कोई सीट हो, भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को निश्चित तौर पर एक अपनी रणनीति बना ली है, अपना नियम बना लिया कि किसी के दबाव और प्रभाव में टिकट वितरण नहीं करना है। लेकिन वो नीति जो उनकी कैसरगंज में काम करती हुई भारतीय जनता पार्टी की नहीं दिखाई पड़ गई। यही कारण है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के दबाव और प्रभाव के कारण ही अभी तक वह भारतीय जनता पार्टी उस सीट पर अपना निर्णय नहीं ले पा रही है कि उनके परिवार को छोड़ने पर खामियाजा भुगतना पड़ सकता है उनको या उनके परिवार को अगर टिकट न दिया जाए। दूसरा, अगर उनके और उनके परिवार को टिकट दिया जाए तो देश भर में क्या छवि बनेगी, क्या एक संदेश जाएगा? जो अभी विवादों की स्थिति थी अभी कुछ दिनों पहले तक पर महिला पहलवानों के, तो एक गले की हड्डी के रूप में सरगंज से। और सीटों की जहां तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी, मैं राजीव जी के एनालिसिस से बिल्कुल पूर्णतया सहमत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की एक इधर विगत आप 10 सालों का ट्रेंड देखें तो ये 10 सालों में बहुत तेजी से ट्रेंड में आया है कि एक ऐसे गुमनाम चेहरे को या एक ऐसे अपरिचित चेहरे को टिकट दे दीजिए जिसका ना तो कोई विरोध हो और ना तो कोई उसका जनाधार हो। उससे क्या होगा कि जनाधार तो मोदी और योगी का प्लस कर जाएगा, विरोध वाला हिस्सा भी नेग्लेक्ट रहेगा, तो विरोधी कोई रहेगा नहीं, तो इसलिए वो भी एक हिस्सा प्लस में जाएगा। ये एक बड़ी रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने विगत कई वर्षों से, कई चुनावों से अपनाई है। इसका फायदा ज्यादा होता है, कहीं नुकसान होता है तो, लेकिन वह कम है। जैसे आप देखिए आजमगढ़ का उदाहरण लीजिए, तो अखिलेश यादव के सामने दिलेश लाल यादव ने उनको चुनाव लड़ा देना, ये हास्यास्पद चुनाव था, लेकिन वही अगले चुनाव में वही हास्यास्पदता बीजेपी के लिए सकारात्मक दृष्टि से दिखाई पड़ने लगी, बीजेपी के सीट में कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए कई बार जो हमको उल्टी चाल लगती है भारतीय जनता पार्टी के,
हम लोग बार बार चर्चा करते हैं बंधु की भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे सातों दिन चुनाव मोड में रहती है। वो सोचती रहती है कि कब किसको कहाँ चुनाव लड़ाना है, कहाँ से हमारी सी उसके लिए कोई बहुत आप अगर शब्द प्रयोग करें कि निर्ममता, उसके अंदर एक भारतीय जनता पार्टी में आज की डेट में ममता नाम की कोई चीज नहीं है। बड़ी निर्ममता पूर्वक अपने से महत्वपूर्ण कार्यकर्ता को, महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण नेताओं को घर बैठाने में वह संकोच नहीं करती है, तब जबकि वह चुनाव में अपनी सीट निकालने में मतलब अपना योगदान न दे पाए या उनकी सीट फंसती हुई दिखाई पड़े तो वह घर बैठाने में संकोच नहीं करती है। इसलिए कैसरगंज में भी यही है, रायबरेली में एक ऐसा जो रुकी हुई सीटें हैं, रायबरेली में एक ऐसा चेहरा देना चाहते हैं जैसे राहुल गांधी को फंसा डाला अमेठी के चुनाव में और अंततोगत्वा ये स्मृति ईरानी चुनाव जीत गई। उसी तरह से अब की बार सोनिया गांधी को भी रायबरेली में फंसाने वाला चेहरा कोई दिया जाना चाहिए। कौन वह चेहरा हो सकता है जो सोनिया गांधी को फंसा सकता है रायबरेली में? इसलिए कई महत्वपूर्ण रणनीति के तौर पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और इसलिए टिकट देने में बंटवारे में ये थोड़ा विलंब हो रहा है। ठीक है, सुशील जी आपका एनालिसिस क्या कहता है सर इन सीटों को लेकर? देखिए बीजेपी का जो यह पिछले 10-12 सालों का रिकॉर्ड है उस हिसाब से लग रहा है जहां बीजेपी किसी ऐसे कैंडिडेट को सीट नहीं देती है जिसका उनको लगता है कि इसकी जो जीने की संभावना बहुत कम है। बीजेपी इस बार बड़े होशियारी से कैंडिडेट अपने उतार रही है। इन पहले तो भाई 80 में से 62 सीटें आई थी, इस बार लग रहा है कि 62 से ऊपर बीजेपी जाएगी। क्योंकि कारण ये है कि आप देख लीजिए समाजवादी पार्टी कांग्रेस जिनको मुसलमानों का 20% वोट 30% वोट मिलता था, इस बार वो वोट सारा बढ़ जाएगा। वैसे ही आ गया अपना दल के दोनों आ रहे हैं वो वोट काटेंगे। BSF ने जो 9-10% मुसलमानों को टिकटें दी वो वोट काटेंगे। इसलिए बीजेपी बड़ी बीजेपी की रणनीति है जो बड़े आराम और बड़े तरीके से वो अपने कैंडिडेट उतार रही है। ये 10 सीटों में जो इन्होंने कैंडिडेट उतारे हैं सारे अच्छे कैंडिडेट हैं और इनकी विजिबिलिटी मैक्सिमम हो सकती है। और दूसरा बीजेपी में मोदी जी का एक बड़ा ये चीज है कि वो जो भी कैंडिडेट लाते हैं आप समझ ही नहीं आ रहा कोई IAS ऑफिसर रिटायर होता। आप देखते मद्रास में चेन्नई में अन्नामलाई कौन मिलाया जो कि IAS ऑफिसर थे जो जीते हैं और चेन्नई में तमिलनाडु में इस बार वो भी कुछ सीटें बीजेपी को लाएगी। ऐसे ही यूपी की स्थिति भी है, बीजेपी के जो कैंडिडेट आए हैं बड़े अच्छे कैंडिडेट आए। और दूसरी चीज है कि बीजेपी के जो नेता है सारे देश में फैले हैं, यूपी में बिहार में वो कौन सी जगह जहाँ बीजेपी के नेता नहीं फैले इलेक्शन की कैनवासिंग नहीं करे। बाकी देख लीजिए सब और कौन सी पार्टी है जिसका कोई नेता ऐसा है जो बीजेपी के नेताओं के कद के है जो लोगों को अपने और वोट को अपने और ले जा सकते हैं, ऐसी कोई संभावना है। लेकिन एक चीज है यूपी में इस बार बीजेपी 62 पिछले बार आया था, इस बार 62 से भी पार हो जाएगा। ठीक है राजीव जी, क्या वेट एंड वॉच की स्थिति में आपको राजनीतिक दल नजर आ रहे हैं क्योंकि अपनी प्रमुख सीट पर कांग्रेस पार्टी भी अभी सोच विचार में है? देखिए ये सबसे बहुत बड़ा पेच है, रायबरेली अमेठी कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा पेच है और बीजेपी के लिए भी है। तो इसलिए बीजेपी जो है वो सोच समझ तो रही है, सोच समझ ही ऐलान होगा। अच्छा मैं जो पहले मैं बात क्या कहा था आपसे कि देखिए बीजेपी जो सरप्राइजिंगली टिकट देती है कानपुर में, देखिए कानपुर में एक रमेश अवस्थी को ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जो कभी एक कॉलेज के प्रेसिडेंट रहे थे बस, है ना। से देखिए वहां से मुरली मनोहर जोशी की सीट रही है वो, है ना। तो अब उस ऐसी सीट पर रमेश अवस्थी नाम के एक नए व्यक्ति को टिकट दे दिया। इसी तरीके से बरेली में उन्होंने 8 बार के सांसद संतोष गंगवार का टिकट काट करके एक छोटे लाल गंगवार को टिकट दिया है जो अपने विधानसभा में भी हार गए थे। तो ये अब कहते हैं कि हार दाव नहीं लगाते, लेकिन बीजेपी का जो इतना ये आप समझ लीजिए कि दुस्साहस है ये ऐसे नए नए लोगों को नए नए चेहरों को उठा के लेकर के आते हैं और जो लोग समझ भी नहीं सकते हैं कि ये चुनाव कभी जीत भी सकते हैं उनको चुनाव जिताने की हिम्मत रखती है। गाजीपुर का उदाहरण देख लीजिए, मैंने भी आपसे कहा कि गाजीपुर का एकदम
लोग समझ रहे थे शायद अलका राय को टिकट दिया जाएगा, अलका राय की जगह उन्होंने देखिए ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जो स्कूल में बैठे हुए थे, उन्हें मालूम नहीं था। हाँ ये बात जरूर है कि उन्होंने पिछला चुनाव जरूर लड़ाया था मनोज सिन्हा का, जिसमें मनोज सिन्हा हार गए थे, और चूंकि वो मनोज सिन्हा के राइट हैंड है इसलिए उनको टिकट दिया गया है। लेकिन उन्होंने अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है, वो संघ की उनकी पृष्ठभूमि है, वो अच्छे नेतृत्व करता है, संगठन के व्यक्ति हैं, लेकिन राजनीति में पहली बार आए। तरीके से कैसरगंज में भी है, कैसरगंज में भी हाँ ब्रजभूषण सिंह का थोड़ा सा मामला अटका हुआ, लेकिन ब्रजभूषण सिंह से भी बातचीत चल रही होगी, और वहां भी कोई ऐसा ही कैंडिडेट आएगा जो चौंकाने वाले होगा। और चूंकि इस समय हवा तो पूरी तरीके से बीजेपी बीजेपी बनी, हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये फील गुड ना हो जाए 94 ना वाला, लेकिन तब की परिस्थिति में और अब की परिस्थिति में काफी फर्क है। उस समय कांग्रेस भी अच्छी थी और बाकी विपक्षी दल भी थे, और इस समय हालात तो ये कि विपक्ष के नाम पर तो नील बड़ा सन्नाटा है, तो और योगी का काम भी अपना अच्छा रहा है और मोदी जी का काम रहा है, ये उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से शासन व्यवस्था कानून व्यवस्था पर काबू पाया गया, विकास किया गया, सब विकास के कार्यों को लेकर के लोग प्रभावित है, और विपक्ष के नाम पर कुछ खास दिखाई नहीं देता है। विपक्ष में आपस में लोग लड़ रहे हैं, देखिए अब शिवपाल सिंह वाला आपने देख ही लिया है कि क्या मामला चल रहा है। तो इस तरीके से बीजेपी सीटों पर मनन तो जरूर कर रही है, प्रत्याशियों के नाम को लेकर मनन तो कर रही है और ये बात जरूर है, लेकिन उम्मीद यह है कि जैसे अभी तक उसने अपना परफॉर्मेंस रखा है टिकट वितरण में, ऐसा ही आगे भी इन चार सीटों पर होने वाला है। तो क्या विनम्र सेन जी अभी हम चौंकने के लिए तैयार रहे हैं, जो अभी जिन सीटों पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो क्या चौंकाने वाली स्थिति और बनने वाली है, चौंकाने वाला फैसला बीजेपी करने वाली है क्या विनम्र जी? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा चौंकाने वाला फैसला ही करती है, और इस बार भी आप जब चारों सीटों का जब नाम घोषित होगा तो आप निश्चित तौर पर किसी न किसी दो सीटों पर चौंक जाएंगे कि अरे ये क्या हो गया अंदाजा, तो कोई इसमें कोई ये तो बीजेपी का ट्रेंड है, इसमें कोई अनुमान करने वाली बात सही नहीं, ये तो 100% श्योर है कि चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। दूसरी बात दूसरी ये है कि आप समस्या दूसरी है, आप बीजेपी तो चौंका रही है निरंतर, लेकिन आपने अभी डिबेट में एक बात चर्चा की शुरू में कि क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप करेगी क्या, 80 की 80 सीट जीतेगी क्या। अब 80 की 80 सीट का दावा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन आज की डेट में अगर आप देखिए, एक पत्रकार के रूप में आप भी देखते होंगे, आपका न्यूज चैनल भी देखता होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में, अगर केवल उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें, तो पूरे उत्तर प्रदेश में केवल एक ही पार्टी चुनाव लड़ रही है, वो है भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा सारे राजनैतिक दल केवल और केवल औपचारिकता का निर्वहन कर रहे हैं। आप बताइए कांग्रेस की कितनी रैली हो गई उत्तर प्रदेश में, आप बताइए समाजवादी पार्टी की कितनी रैली हुई उत्तर प्रदेश में, आप बताइए कि आचार संहिता लगने के बाद से मायावती की रैली कितनी हो गई उत्तर प्रदेश में, नहीं हुई। वहीं भी मोदी और योगी जैसे जो ताकतवर नेता है आज उत्तर प्रदेश में, जिनके जिनके कहने पर एक हुजूम चल पड़ रहा है, तो जिस दिशा में वो चल रहे हैं उस दिशा में लाखों लोग चल पड़ रहे हैं, ऐसे लोग लगातार मैदान में है, रोज कठिन परिश्रम कर रहे हैं, रोज खून पसीना बहा रहे हैं अपना सत्ता में आने के लिए, तो वो प्रभाव तो आपको दिखेगा ही। 70 सीट से कम अगर भारतीय जनता पार्टी पाएगी तो भारतीय जनता पार्टी को समीक्षा करनी चाहिए अपनी कि क्यों 70 सीट से कम पाई। ये तो तय है कि 70 सीट के प्लस भारतीय जनता पार्टी को पाना है आज की डेट में, क्योंकि सारे राजनीतिक, और दूसरी बात उसका 70 सीट प्लस का कारण है, उत्तर प्रदेश देश के सारे अन्य प्रदेशों से उसकी स्थिति भिन्न है। सारे देश के अन्य प्रदेश, पूरे देश के अन्य प्रदेश जो है वो केवल मोदी के भरोसे है। एक बात आप गौर करिएगा कि सारे प्रदेश उत्तर प्रदेश के अलावा केवल मोदी के भरोसे, मोदी चेहरा, मोदी का काम, मोदी का नाम, उत्तर प्रदेश में साहब वो इसमें मोदी के नाम के साथ साथ 10% ही कम योगी आदित्यनाथ का भी नाम और योगी आदित्यनाथ का काम है, इससे डबल इंक्रीज हो बैंक और ऊर्जा, तो योगी का नाम और योगी का काम भी एक महत्वपूर्ण ताकत है उत्तर प्रदेश में, जो मतलब भारतीय जनता पार्टी को क्लीन स्वीप दिलाने में एक महत्वपूर्ण योगदान देगी। ठीक है सुशील जी, एक संक्षेप में उत्तर चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी के लिए कहा जाता है कि बड़ा लक्ष्य लेकर चलती है, कार्यकर्ताओं को बड़ा लक्ष्य देती है ताकि उसको अचीव करें तो बेहतर से बेहतर मिल पाए,
जैसे अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख नजर आ रही थी, वैसे ही उत्तर प्रदेश की 80 सीटें सिर्फ बीजेपी को नजर आ रही हैं। आप देख लीजिए बीजेपी की स्थिति, एक वो सीट का आप ले लीजिए उदाहरण के लिए रामपुर, जहां 50% मुस्लिम होके भी बीजेपी ने दो बार टिकाई या अपनी सीट निकाली। आजमगढ़ वगैरह जो एरिया है जो मुस्लिम डोमिनेटेड है, वहां पर बीजेपी का दो बार जीतना ये दर्शाता है कि बीजेपी के लोग के साथ कितने लोग खुश है। आप देखिए मुस्लिम महिला जो बड़े से अचाचार से फ्री हो गए, जैसे त्रिपल तलाक वगैरह जो थे जिसे वो जूझ रहे थे, मोदी जी योगी जी ने जो उस पर कर दिया बयान कर दिया, लोग औरतें महिलाएं बहुत खुश है, मुस्लिम महिलाएं खुश है, जो बीजेपी का प्लस पॉइंट है। दूसरा देख लीजिए बीजेपी को पिछली बार वेस्टर्न यूपी में जो था इलाके ये थे कुछ सीटें, उसपे बड़ी डेंट आया था, उसपे बड़ा नुकसान हुआ था। लेकिन इस बार आरएलडी को अपने जयंत चौधरी जी को अपने साथ मिला के जो जाट बेल्ट है, जाट बेल्ट का भी इस बार बीजेपी को फायदा काफी मिल रहा है। जाट बेल्ट का जो वोट कटेगा वो समाजवादी पार्टी को कटेगा। जो वेस्टर्न यूपी में 12-13 सीटें वो तो बीजेपी, 8 सीटें वो तो बीजेपी को जाएगा इस बार। बीजेपी की स्थिति जो भाई यूपी में बड़ी अच्छी है। ये देखिए कांग्रेस का हाल अमित ही, और इसमें राय बरेली को कैंडिडेट अपना अभी तक डिक्लेयर कर सकती है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अभी देखना बेहद दिलचस्प होगा इन सीटों को लेकर, कांग्रेस की तरफ भी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी। खासकर चूंकि आज वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है सर, बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का। राजीव जी आपका शुक्रिया, विनम जी आपका शुक्रिया, सुशील जी आपका बहुत शुक्रिया सर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। नमस्कार।